रामेश्वरम कॉलोनी विजयनगर में रहने वाली एक 47 वर्षीय व्यक्ति के साथ बिजनेस में रुपए लगाकर मुनाफा कमाने का झांसा देते हुए उससे 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। इसके बाद पीड़ित ने संजीवनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और जिस पर पुलिस ने दो आरोपियों पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। थाना संजीवनी नगर के अंतर्गत आज से 2 माह पहले एक शिकायतकर्ता नारायण चक्रवर्ती ने शिकायत की थी कि वह जोधपुर में अपने किसी दोस्त के माध्यम से 3 मित्र जो कि रायपुर के निवासी थे, उसमें नारायण महेंद्र प्रताप, भानु प्रताप और कर्णी सिंह के माध्यम के साथ मिले थे और आपस में मिल कर एक इनको ऐसा कुछ कोई कंपनी का बनाया वहाँ पे, और कंपनी बनाने के बाद ऐसा हुआ कि आप इसमें पैसा लगाइए, उससे अच्छा आपको मुनाफा होगा। इन सभी ने मिलकर आपस में कंपनी बनाया और उसमें फ़ायदा भी हुआ, लेकिन जो फ़ायदा हुआ वो नारायण चक्रवर्ती को नहीं दिया गया। और जब पुलिस के पास सूचना आई तो पुलिस ने उनको नोटिस तमिल कराई तो इसमें से कर्णी सिंह ने 25 लाख रुपए इसमें से वापस कर दिया था, जबकि भानु प्रताप और महेंद्र प्रताप अपनी बात से मुकर गए और नोटिस तामील होने के बाद भी ना तो बयान देने आए और ना पैसा देने की बात कही। तो फलते हमने धारा 420 का मामला पंजीबद्ध कर लिया। इसके जो मुख्य आरोपी हैं वो भानु प्रताप और महेंद्र प्रताप हैं जो कि रायपुर के निवासी हैं।